छत्तीसगढ़ के दुर्ग में ट्रांसपोर्ट नगर हथखोज के इंजीनियरिंग पार्क में दो ट्रक चालकों के बीच मारपीट हो गई। इसके बाद नागपुर निवासी राम विलास राजभर के साथी रविंद्र यादव ने उसे ट्रेलर के नीचे कुचलकर हत्या कर दी। घटना की असल वजह का पता नहीं चला है, लेकिन प्राथमिक जांच में दोनों के एक साथ शराब का सेवन करने की बात सामने आई है। नशेबाजी के दौरान ही दोनों का आपसी लेन देन को विवाद हुआ। पुलिस ने बताया कि दोनों नागपुर की ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर थे, अलग अलग ट्रेलर लेकर भिलाई पहुंचे। थाना प्रभारी संजीव मिश्रा ने बताया कि राम विलास के शरीर पर मारपीट और पैरों पर ट्रेलर के चके के निशान मौजूद है। ऐसे में आरोपी रविंद्र ने पहले उसके साथ जमकर मारपीट की, इसके चलते उसके दाएं कान और चेहरे के काफी चोट आई। इसके बाद ही उसके ऊपर चक्का चढ़ा दिया। आरोपी रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। राजभर और रविंद्र एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम करते थे। एक दूसरे से खासे परिचित होने की वजह से सोमवार को भी दोनों ने एक साथ शराब पी। आसपास के लोगों के मुताबिक दोनों के शराब में पैसे मिलने को विवाद हुआ। शरीर पर मारपीट व पैरों पर चक्का के निशान हत्या के पीछे लेन देन बात सामने आ रही है। शरीर पर मारपीट और पैरों पर चक्का चढ़ाने के निशान मौजूद है। आरोपी को हिरासत में लिया है।